हैं, टेंशन नहीं लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। आप ऐसे जूता खोल लीजिए, जूता खोल दीजिए, कोई बात। अच्छा, ले लीजिए। हाँ, बैठ जाइए, थोड़ा सा और पीछे होकर बैठिए। आप लोग आगे बैठे हैं तो एकदम शांत रहिएगा। कोई भी बॉयज लोग, जो लोग आगे बैठे हैं, एकदम शांति से पढ़िएगा, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है ना? चलिए, ओके। अब सुनिए आप सभी लोग, तो हम जो कल पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा रिकॉल करें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार रिकॉल करते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा कल पढ़ाई नहीं हुआ था। बाई टू ये वाला फॉर्मूला होता है, पहला पॉइंट ये पढ़े थे, ठीक है, पढ़े थे ना ये वाला। अच्छा, इसमें स्टार्ट कहां से होता है? एक से, एक से लेके एन तक जाता है, तो एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो ये पढ़े थे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े थे, ध्यान दीजिए, हम दूसरा पॉइंट दो से लेके अगर हम दस तक जाते हैं तो इसका योग कितना होता है? पचपन। हालांकि फॉर्मूला से भी बन सकता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, जहां एन का वैल्यू कितना? दस। दस गुणे ग्यारह बटा दो करिएगा तो ये हो जाएगा ग्यारह पचे कितना? पचपन। तो दूसरा पॉइंट ये पढ़े थे, निकालते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी हम बोले थे कि थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो हम लोग को कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। हम बोल रहे हैं वो कीजिए बस, मैथ में आप लोग अपना दिमाग मत लगाइएगा, जो हम कहेंगे वो कीजिए, ब्लाइंडली फॉलो कीजिए हमको। एकदम होता है ना कि ब्लाइंडली फॉलो करना है, कीजिए, फायदा होगा आपको, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है, हम ये समझाए थे आपको कि अगर एक से लेके पचपन, सॉरी, एक से लेके दस तक का योग अगर पचपन है, एक के पहाड़े, बैठा लीजिए, एक के पहाड़े का योग अगर पचपन है, तो अगर मान लीजिए कहीं पंद्रह का पहाड़ा का योग निकालना होगा तो डायरेक्ट हम पचपन गुणे, हाँ, पचपन गुणे पंद्रह कर लेंगे तो आ जाएगा। नौ के पहाड़े का योग निकालना होगा, नौ अठारह डैश डैश करके निकालना होगा, तो नौ गुणे कितना कर लेंगे? पचपन, ये कर लेंगे तो आ जाएगा। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट हम बताए थे कहीं सिस्टमेटिक नंबर दे दे, सिस्टमेटिक के पहले हम आते हैं कहीं बीच का नंबर दे दे। जैसे मान लीजिए कि एक से अगर एक से दे देता है मान लीजिए एन तक, तो ये तो आसान है कि एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कर लेते हैं हम लोग। लेकिन हम ये कल समझाए थे कि कहीं बीचे में से दे दे, कि इक्यावन दे दे, बावन दे दे, डैश 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 कहीं निन्यानवे टाइप से कुछ दे दे जोड़ने के लिए। तो इसमें अगर उस फॉर्मूला से हम जाएंगे तो उसमें एक से लेके पचास तक जोड़ना पड़ता था, एक से लेके पचास तक घटाना पड़ता था, तो एक से लेके निन्यानवे तक हो जाता था, और माइनस एक से लेके पचास तक होता था, दो बार फॉर्मूला लगाते थे, बनता था ना, टाइम लगता था। उस टाइम को बचाने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको समझाए थे जो कि मल्टीपल जगह काम करेगा, बहुत जगह काम करेगा। और यकीन मानिए कि मेरा फॉर्मूला किताब में न मिलेगा, मेरा फॉर्मूला हर जगह किताब में नहीं मिलेगा, बहुत कुछ किताब में मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ एक्स्ट्रा हम अलग से बताते हैं, अलग से प्रूफ किए रहते हैं, ठीक है ना? तो हम एक चीज आप लोग को, लास्ट प्लस फर्स्ट इंटू बोलिए माइनस फर्स्ट से पहले वाला अच्छा डिवाइड बाई यहाँ पे टू आई इंटू क्या चीज, गैप, टू गैप या टू इंटू डिफरेंस, ये बताए थे क्या? हाँ, सुनिए, तो ये फॉर्मूला दिखने में बस लग रहा बड़ा है, लेकिन लास्ट में हम लोग को क्या करना है? फर्स्ट को ऐड करना है। तो जैसे लास्ट ये है, ये आपका क्या चीज है? फर्स्ट है, तो इन दोनों को ऐड करना है। और उसके बाद से इस लास्ट में से बाबू फर्स्ट को नहीं घटाना है, हाँ हाँ, फर्स्ट को नहीं घटाना है, लास्ट में से फर्स्ट के ना जस्ट पहले वाले को घटाना है। तो ये तरीका कर लेना है। और उसके बाद से इस दोनों के बीच का गैप, इक्यावन और बावन के बीच का गैप अगर एक रहेगा तो यहाँ कितना से भाग देना है? दो से। दो रहेगा तो चार से, अगर गैप रहेगा तीन तो छह से हम करेंगे। यहां तक क्लियर है क्या? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम ऐसे करेंगे, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखिएगा, फॉर्मूला लिखने में समय बर्बाद होगा एग्जाम में, तो फॉर्मूला माइंड में रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो बताइए, लास्ट प्लस क्या चीज? फर्स्ट। इस इक्यावन का एक इसको दे देंगे तो ये बन गया सौ,
ये 50 कितना 150, और लास्ट में से फर्स्ट घटाएंगे, नहीं फर्स्ट के पहले कितना है तो बताए, 99 में से 50 गएंगे कितना 49, और डिवाइड बाई गैप कितने का है एक का, तो यहां देंगे कितना से 2 से। अगर हम 2 से भाग देंगे ना तो हम लोग का काम हो जाए। अब गुणा इसके अलावा कटाएंगे, गुणा करेंगे, बैटरी डिस्चार्ज है, मेरे पास मोबाइल नहीं है और ऑफिस वाले लोग को पता भी चलेगा नहीं, नीचे जाना पड़ेगा, पीछे एक आदमी कोई जाइए ना थोड़ा ऑफिस में बोल कर आइएगा कि डिस्चार्ज है। चलिए देखिए, ये आप लोग इतना समझ गए ना, तो ये अब देखिए ये फॉर्मूला केवल हम लगातार में ही नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 50 से 100 के बीच में मान लीजिए इवन नंबर दे दे, सम संख्या दे दे, तो सम में मान लीजिए कि दे देगा कि 52-54 से लेकर आपको 98 तक जोड़ना है, तो जोड़ लेंगे क्या, बताइए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट प्लस फर्स्ट 150, और लास्ट में से फर्स्ट के पहले क्या है 54 के पहले 52, दो पीछे है तो 52 के पहले कितना 50, से 50 घटाएंगे 48, 48 अब बटा में कितना, यह गैप है 2 का, तो कितना से 4 से, 4 से देंगे कितना बार में 12 बार में, अब 12 गुणे 15 करेंगे 180, 0 आ जाएगा 1800, समझ गए हैं। तो ऐसे ही बहुत तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ऐसे ही कहीं आ जाएगा, जैसे मान लीजिए दे दिया 51 प्लस प्लस डैश 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 आपका 99 है। इसमें देखिए ये भी पैटर्न में है, पैटर्न का मतलब है 51 और 54 के बीच का गैप कितने का 3 का, यहां भी कितने का 3 का, तो 3-3 का गैप है, तो बताइए लास्ट में फर्स्ट जोड़ेंगे तो कितना 150, अच्छा लास्ट में से फर्स्ट के पहले घटाना है, 54 के 3 पहले 51, 51 के 3 पहले कितना 48, तो 9 में से 8 गया कितना 1, और 9 में से 4 गया कितना 5, अब बटा में 3 का दुगुना कितना 6, समझ पा रहे हैं। तो ये चीज हम किए थे, तो इससे बहुत फायदा होगा, ये जितनी भी संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, ये सारी जितनी भी संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं सब सिस्टमेटिक नंबर है, कैसा नंबर है सिस्टमेटिक, तो सिस्टमेटिक नंबर मतलब जहां गैप कितने का हो कांस्टेंट गैप हो, हाँ एपी टाइप का हो, एपी टाइप का, क्लियर है यहां तक। अच्छा इसके अलावा एक और पॉइंट देखिएगा, पता ना आवाज कट रहा है बार बार, अभी सही चलने लगा पाए तो, आते हैं तो नीचे जो है ना, ऐसे तो थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो रहा है मेरे सभी, क्योंकि बैच खत्म होने वाला है, उसको खत्म करना है तो इसीलिए लेट हो रहा है, अदरवाइज हम 2:45 में आपका क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, 2-4 दिन का और बात है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है 5-10 मिनट। दूसरा बात है कि लेट अगर हो भी गया 5-10 मिनट तो आप लोग एक लाइन में आइए। देखिए एक बार क्या हुआ था, एक बार की घटना बता रहे हम, कि जैसे आप लोग पीछे नीचे भगदड़ किए थे ना अभी, तो वैसे ही क्या हुआ था कि एक बैच में एक लड़का इसी क्लासरूम में, तो कुछ दिन पहले की बात है कि तेजी से इन कर रहा था लो, और नीचे जो था नीचे कुछ रखा हुआ था उसको पता नहीं चला भगदड़ करने के दरमियान में, तो कुछ कील था या कांटी वोटी कुछ था पता चला नहीं, उसके पैर में पूरा लग गया, पूरा मैंने इतना ज्यादा ब्लीडिंग होने लगा कि पूछिए नहीं। तो फिर हम लोग उसको, खैर हम लोग तो इलाज करवा दिए, ऐसा नहीं कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम नहीं है यहाँ पे, हम लोग हैं आपके लिए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको होगा तो आप लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत ना होगा, हम लोग जो होगा करेंगे आपके लिए। लेकिन आखिर उस लड़का को जिसको चोट लगा ब्लीडिंग हुआ कितना कष्ट हुआ बताइए, कष्ट तो हुआ होगा ना, इलाज तो बाद में हुआ, क्लास भी 15-20 मिनट आधा घंटा डिस्टर्ब हो गया, तो आखिर कितना तेजी से आइएगा आप लोग, कितना तेजी से आइएगा तो क्लास में आके क्लास में बैठना है, हम लोग एडमिशन लेते हैं तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि एडमिशन क्लास से बाहर लेंगे, जितना क्लास का कैपेसिटी है उतना ही एडमिशन लेंगे, उससे ज्यादा एडमिशन नहीं लेंगे, हाँ क्लास फुल रहता है स्टूल लगता है वो लगेगा, ठीक है ना, लेकिन कहने का मतलब है कि आराम से आना है आराम से बैठना है, लाइन में एक लाइन में लेट आए तो क्या हो गया, एक लाइन में मान लीजिए 100 बच्चे खड़े हैं तो आप 151 नंबर पर खड़े हो जाइए, 200 बच्चा खड़ा है तो आप 201 जगह पर खड़े होइए, ये मत सोचिए कि हम लाइन तोड़ के आगे आ जाएंगे, क्योंकि पहले आप ही लोगों के लिए सिस्टम है, आप ही लोगों के लिए हम लोग स्टाफ भी रखे हैं जो कि आपकी देख रेख करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम सब जगह थोड़ी रह पाएंगे, हम क्लास ले रहे हैं तो हम नीचे नहीं जा सकते हैं, हम एकाएक देखे भीड़ हुआ तो हमको जाना पड़ा वहां पे,
हम गए तो सब लोग सीधा भी हो गए थे, सब लोग धीरे धीरे आने लगे, लेकिन बीच में देखे कि हम काफी तेजी से इन कर रहे थे, तो चोट लग जाएगा आप लोग को, ऐसा बहुत बार हुआ है। थोड़ा सा हम लोग इनडिसिप्लिन हो गए ना तो चोट लगे। जहां भीड़ है वहां डर है, जहां भीड़ है वहां क्या चीज है, डर है कि थोड़ा सा भगदड़ मचेगा, भीड़ पूरा रहेगा तो किसी को चोट लगेगा। तो इसीलिए एकदम आराम से आइए, आराम से जाइए। क्लास में निकलने के समय भी पहले बीच वाले लोग निकलेंगे, जो भी बीच में बैठेंगे अपना स्टूल लेकर बाहर जाना है। उसके बाद से गर्ल्स लोग निकलेंगी, उसके बाद हम निकलेंगे, उसके बाद आप लोग निकलेंगे। अभी मत सोचिएगा कि सबसे लास्ट में हम ही लोग का नंबर आता है। ये रूल है, ये ऐसे सिस्टम में चल सकता है। हम इसलिए पहले जाते हैं ना, हम अपना बताए ना तो हम आपके बाद निकल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने आप को आपसे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। हम पहले इसलिए जाते हैं कि जो बच्चे जाते हैं उनको डाउट होता है, तो हम ऑफिस में जाते हैं तो जो बैच के बच्चे निकलते हैं वो लोग डाउट पूछते हैं। तो लड़की लोग गई तो लड़की, जब जाके हम बैठ जाएंगे तो डाउट बता दिए। आप लोग आइएगा पीछे से, आप लोग का जो डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, फिर अगला बैच मेरा होगा तो फिर हम आ जाएंगे। इसलिए हम पहले जाते हैं, लेकिन लड़की को पहले नहीं जा सकते, लड़की को निकाल के तब हम जाते हैं। तो यही सिस्टम है, थोड़ा सा ध्यान देना है कल से, ठीक है ना। चलिए ओके। हाँ, तो ये कल हुआ था। कल एक और चीज हम बताए थे, मल्टीप्लीकेशन दो अंकों का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट बाई टू डिजिट, माने दो अंकों का गुणा दो अंकों से हम कैसे फास्ट करें। तो हम ये समझाए थे कि जैसे मान लीजिए कि 23 का गुणा अगर हमको 43 से करना है, तो हम ये समझाए थे कि तीन स्टेप में करना है, थ्री स्टेप्स। स्टेप वन, हाँ, स्टेप टू, आई स्टेप, तीन स्टेप में गुणा। पहला स्टेप है, हाँ, इकाई का इकाई से, तो इकाई से करके हम लिख देंगे यहाँ, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है नजदीक का नजदीक से और दूर का दूर से। ये दूसरा स्टेप में दो चीज, सबसे डिफिकल्ट दूसरा ही स्टेप है, क्योंकि इसमें दो गो स्टेप आ जाता है, नजदीक का नजदीक से और दूर का दूर से। और तीसरा जो स्टेप है, दहाई अंक का दहाई अंक से, तो ये दहाई अंक है और ये दहाई अंक है, तो ये दोनों को गुणा करना थोड़ा इजी है, समझ रहे ना आप लोग। तो इसका गुणा करते थे तो तीन तिरीके कितना, नौ, चार तीन और तीन दूना छ, तो बारह छ अठारह, अठारह का आठ, हाथ में एक, और दहाई अंक चार, दहाई अंक दो, चार दूना आठ, आठ है कितना, नौ। तो ऐसा हम लोग करते थे। तो ये हम मल्टीप्लीकेशन कल बताए थे आपको, बताए थे ना। तो ये सब हो गया था। ग्यारह का गुणा एक सिंपल बताया थे कि ग्यारह में अगर मान लीजिए ऐसा गुणा करना है तो दोनों थोड़ा दूर दूर पे लिखेंगे और दोनों को जोड़ के बीच में लिखेंगे, ये बताए थे ना। अच्छा, आप लोग बताइएगा एक गुणा, सब लोग बताइएगा, लिखना नहीं बताना है, मौखिक बताना है, बता दीजिएगा। हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए, तेरह का गुणा ग्यारह से करना करके बताइए क्या होगा। ऐसे ही कुछ होगा क्या? अच्छा बताइए, इसको देखिएगा तो तीन और एक बीच में क्या है, चार। अच्छा, ये ग्यारह से गुणा हुआ है कि नहीं? तीन और एक चार, दोनों का सम बीच में है तो गुणा हुआ है कि नहीं, हुआ है। और ग्यारह का गुणा किससे हुआ है, ग्यारह का गुणा किससे हुआ है, तेरह से। किससे हुआ है, तेरह से। अच्छा, एक संख्या हम लिख रहे हैं, आप बताइएगा कि ग्यारह इसमें गुणा हुआ है कि नहीं। हम यहाँ लिख रहे हैं 165, बताइए गुणा हुआ है। अच्छा, कितना गुणा कितना है, ग्यारह गुणे पंद्रह है, पांच और एक छ अगर है तो पंद्रह का गुणा किस से, ग्यारह से। क्लियर हो रहा है? अच्छा, मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे लिखे, बताइए किसका गुणा किससे, 27 का गुणा ग्यारह से। तो बहुत बार जैसे हम लोग ना, जैसे मान लीजिए आगे मैथमेटिक्स में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा कहीं 143, हम कहेंगे इसका फैक्टर निकालिए, क्या निकालिए, फैक्टर। तो बहुत लोग कटाते हैं धीरे धीरे, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लीकेशन पे कमांड है ना तो दिखाई देगा क्या फैक्टर होगा, दिखाई दे रहा है, बताइए वो कितना, 13 गुणे कितना, 11। ऐसे दिखाई देगा तो फायदा होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लें, ठीक है ना जी। जैसा एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए कि 176 है, बताइए किसका किसका फैक्टर है, 16 गुणे है, हाँ। तो ये डायरेक्ट सामने आते आते आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक कितना है, सात है, जिसका मतलब 11 गुणे 16 है, ये 16 आइए क्या चीज है, 11। तो ये आगे हेल्प करेगा हम लोग को, ठीक है ना। चलिए ओके, अब हम आज का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लें। अच्छा बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में
आप लोग अटेम्प्ट लिए हैं कि नहीं बताइए। 25 से 50 तक 35 संख्याओं का योग निकाले, निकाल लीजिएगा। अच्छा 25 लेना है कि छोड़ना है? 25 से 50 तक लेना है ना, बन जाएगा। इसका मतलब है 25, 26, 27, 50। तो लास्ट में क्या करिएगा, फर्स्ट जोड़िएगा, जोड़िएगा ना जी। तो लास्ट में एक मिनट के, लास्ट में फर्स्ट जोड़ेंगे तो लास्ट कितना है यहाँ पे, 50 है ना, अब फर्स्ट कितना है तो बताइए। लास्ट प्लस फर्स्ट करिएगा तो 75। देखिए ये लास्ट है, ये क्या चीज है, फर्स्ट है, तो 50 25 कितना, 75। ये हो जाएगा आपका 75। अरे होगा, और लास्ट में से फर्स्ट घटाइएगा कि फर्स्ट के पहले वाला, हाँ वेरी गुड। तो 50 में से 24 ना घटाएंगे तो 26 मिलेगा, तो लिखेंगे 26 आप बटा में कितना, लगातार प्राकृत संख्या, तो प्राकृत का मतलब 25 26 27, तो एक एक का गैप है, तो अगर गैप एक एक का होगा तो भाग लगाइएगा कितना से, 2 से। बोलिए जी हो जाएगा, हाँ रुकना है। अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे एग्जाम में कि एक बार ऐसे लिखेंगे कि 25 26 ओ 50, इसमें 10 सेकंड बर्बाद होगा, 5 सेकंड बर्बाद होगा, 1 सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, तो उतना लिख के इतना लिखिएगा तो समय लगेगा ना। और कुछ लोग तो ऐसे करेंगे कि 25 से लिखेंगे 50 तक, फिर लिखेंगे 1 से 24 तक जोड़ेंगे, या फिर 1 से लेकर 24 तक घटाएंगे, दो बार फॉर्मूला लगाएंगे, दो बार फॉर्मूला में दो बार गुणा आएगा, गुणा भी दो बार करेंगे, फिर एक बार घटाएंगे, फिर आंसर बताएंगे। समझ में आया क्या बोले वाइज लोग, तो वैसे नहीं ना करना है, ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है ओके। तो यहां तक हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 तक आप बना लिए होंगे, 14 एक मिनट बैक जाना पड़ेगा, हाँ ठीक। 13 नंबर पे हम आ रहे हैं, हम आएंगे, हम आप लोगों को पूछना नहीं है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, आप सब लोग बेसिक का बुक ऑफिस से ले लीजिएगा, बेसिक का बुक से होमवर्क हम देंगे तो उसको बना के आना है घर से। चलिए देखिए, हम बोले क्या चीज की, क्वेश्चन नंबर 13 तक, क्वेश्चन नंबर 13 तक बना होगा। देखिए 50 से 102 तक जोड़ना है, 63 से 111 तक जोड़ना है, 42 45 48 जोड़ना है, जुड़ गया होगा, 51 56 61 जुड़ेगा कि नहीं। अच्छा कुछ लोग नहीं भी बना के आए होंगे तो ये बताइए बनेगा कि नहीं। यहाँ पहला संख्या 55 है, लास्ट में कितना है, 265, और गैप कितने का है, 7 का। 55 में गैप कितने का, 7 का, और 62 से 69 के बीच में 7 का, और 69 से 76 के बीच में 7 का, 7-7 का गैप है, सिस्टमेटिक है कि नहीं है, है। कौन फॉर्मूला लगाइएगा, लास्ट प्लस फर्स्ट इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट से पहले वाला, और डिवाइड भाई 2 इंटू बना लीजिएगा लोग, तो ये बन जाएगा आपसे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है सबको, एक बुक हम दीजिएगा, लाए हैं दीजिए, और एक सर ठीक, तो ये बन जाएगा आपसे अब यहाँ तक। चलिए कुछ जी क्वेश्चन है इस पे, उसको देखिए। देखिए क्वेश्चन है ये वाला, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ रिपीट करने लगेगा, जैसे जैसे यहां दिया हुआ है 4 प्लस, ठीक है ना, 44 प्लस 444, ऐसी क्वेश्चन भी आता है, ऐसा सोचिएगा मत नहीं आता है, ये मान लीजिए है तो जोड़ लीजिएगा आप लोग, इसको जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़िएगा। अच्छा इकाई का यूनिट डिजिट का जोड़ किससे करते हैं, यूनिट डिजिट से, इकाई का जोड़ किससे करते हैं, इकाई से करते हैं, उसके बाद दहाई 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 को जोड़ेंगे, उसके बाद सैकड़ा सैकड़ा को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना, तो बताइए इकाई अंक इसका कितना है, 4 4 4 4 4 बार है ना जी। दहाई अंक कितना है, 4 4 4 इसका नहीं है, और उसके बाद सैकड़ा अंक कितना है, 4, इसका कितना है, 4, इसका नहीं है, नहीं है ना। तो सबसे पहले इकाई अंक में चारों आएगा तो 4 चौका 16,
चार चौका कितना 16, चार बार रिपीट किया था, चार चौका 16, हाथ में एक, चार चौका 16 किया ना, चार का पहाड़ा चार बार पढ़े हैं, तो अब चार तीन बार पढ़िएगा, चार का पहाड़ा दो बार पढ़िएगा, चार का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा, जुड़ जाएगा, क्लियर। तो बताइए बताइए, चार चौका कितना 16, चार तिहाई 12, 12 एक 13, चार दूना 8, 8 एक 9, और चार एकम 4, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। ये समझ में आया है? इकाई अंक में चार गो चार आएगा, इसलिए चौगुना। दहाई अंक में एक गो यहाँ खत्म हो जाएगा तो तिगुना। सैकड़ा अंक में देखिएगा तो दो जगह सैकड़ा नहीं है तो दुगुना। हजार में कितना एक गुना, तो ऐसे करके जोड़ेंगे, नोट कीजिएगा आप लोग। हो गया है? अच्छा, जोड़ना आसान था लेकिन हम जो समझा रहे हैं वो समझ में आया ना आपको? हाँ, देखिए एक और एग्जांपल देते हैं, लिखना नहीं है, आप सब लोग पीछे वाले लोग आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3 + 33 और +3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितना बार हो गया? 4 बार। और एक बार और मान लीजिए हम दे देते हैं 5 बार, बनेगा? अच्छा, 3 रिपीट कर रहा है कितना बार? 5 बार। तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 = 13, हाँ 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 10, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 7, अब 3 × 1 = 3। ये समझ में आया है भाई लोग? पीछे वाले लोग बना लीजिएगा ना। आप कुछ लोग इसको ऊपर नीचे लिख के बनाते हैं, कहते हैं कि आज हम बना ही देंगे, हम तो पढ़ने में तेज हैं। तो तेज नहीं बनना, जनरल कंपटीशन में ट्रिक टेक्निक ईच एंड एवरीथिंग, कंसेप्ट ट्रिक टेक्निक सब कुछ जानेंगे ताकि दूसरे बच सके। तो ऐसे लिख के बनाइएगा तो बताइए 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, हासिल जो भी आएगा उसको शिफ्ट करते जाएंगे, क्लियर है? अब इसके बाद देखिएगा, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको देखना है, 0.33 + 0.33 + 0.33 + 0.33 + 0.33 नोट कीजिए आप लोग, कुछ चेंज हुआ है क्वेश्चन में? हाँ, इसमें पॉइंट आ गया है, नोट करिए। सुनिए, अच्छा इसको कैसे जोड़िएगा? अच्छा, जोड़ उधर से होता है कि इधर से? मैथ इधर से चलता है, जैसे मैथ और उर्दू इधर से करते हैं हम लोग, हिंदी इंग्लिश सब उधर से होता है, मैथ का ज्यादा काम इधर से करना है। जैसे अगर इसको लिख के करिएगा आप लोग तो 0.3, इसके बाद क्या लिखिएगा 0.333, और उसके बाद क्या लिखिएगा 0.33, और इसके बाद क्या लिखिएगा 0.3। ये समझ में आया क्या? तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे इसको ना जी, तो ये दिमाग में आना चाहिए, यहाँ पे एक आ रहा है, तो अब अभी पहाड़ा पढ़े थे 3 × 12 टाइप का, अभी पढ़ेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। आया समझ में? तो मेरे कहने का मतलब है कि ये दिमाग में ये जो स्टेप्स है ये माइंड में रखना है, और ये सोचना है कि 0.3 तो एक लाइन में आएगा, 0.3 एक लाइन में आएगा, 0.3 एक लाइन में आएगा, तो ये जो 3 है ना 4 बार लाइन में आएगा, लेकिन सबसे अंत में जो ये 3 है ना इसके साथ में देखा जाए ना तो यहाँ पे 0 आएगा। जैसे ये चौथा जगह पर 3 है तो यहाँ पे चौथा जगह पर क्या है? 0 है। यहाँ पे चौथा जगह पे क्या है? 0 है। और यहाँ चौथा जगह पे क्या है? 0 है। ये बात आ रही है समझ में? तो चौथा जगह पे अगर 0 है तो डायरेक्ट हम पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे बताइए? 3 × 3, क्योंकि एक ही वो 3 आएगा, तो 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। 10 जो है कितना अंक बाद? सबसे अधिक है 4 अंक, तो 10 4 अंक आगे लगेगा, तो 4 अंक आगे यानी यहां लग जाएगा।
अरे आया समझ में? एक क्वेश्चन और हम यहीं पर अभी लिख रहे हैं, उसका आंसर देखना आप लोगों, 0.44 0.44 0.4444 हम चार ही बार इसको भी दिए हैं, नहीं दिए, बताइए बनेगा? तो बताइए सबसे पहले क्या लीजिएगा? अच्छा, चार का एक गुना कि दुगुना कि तिगुना कि चौगुना? हाँ, चौथा जगह पे देखो ही को चार है, इसमें चौथा जगह पे जीरो है, इसमें चौथा जगह पे जीरो है, इसमें चौथा जगह पे जीरो है, तो चार का पहाड़ा एक बार पढ़े कि चार बार? कुछ लोग कह रहे हैं एक बार, कुछ लोग चार बार, एक बार ना? हाँ, तो चार एकम कितना? चार आठ, चार तीन और चार चौका और सोलह एक सत्रह हो जाएगा। देखिए चार एकम कितना? चार, चार दूना आठ, चार तिहाई बारह, चार चौका सोलह, एक हासिल कितना? सत्रह। दशमलव कहाँ लगेगा? हाँ, चार अंक है मैक्सिमम, तो दशमलव यहाँ लगेगा ना, तो ऐसे जोड़िएगा, नोट कर लीजिए ना, ये बेसिक चीज है, दोनों एग्जाम्पल नोट करिएगा, जो लोग भी ऑनलाइन है आप लोग भी नोट करेंगे। हो गया है क्या? नोट कर लिए हैं? मिटाए है? जल्दी बॉयज लोग जल्दी करिए। चलिए ओके फाइन, अब देखिएगा आप लोग। अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों को डेढ़ लिखना है, डेढ़ क्या लिखना है? डेढ़ जानते हैं आप लोग? तो डेढ़ कैसे लिखिएगा मैथ में? एक पूर्णांक एक बटा दो, इसको डेढ़ बोला जाता है, पक्का? साढ़े तीन कैसे लिखिएगा? साढ़े तीन ऐसे है, ये साढ़े तीन है, ये डेढ़ है। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे बताना है कि यहां गुना है कि प्लस है? यहां गुना है कि प्लस है? कुछ लोग कह रहे गुना, कुछ लोग प्लस, क्या है? कितने लोग कह रहे कि यहां गुना है? गुना है। कितने लोग कह रहे हैं प्लस है? प्लस है, प्लस वाले में ज्यादा लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, गुना वाले लोग सोचिए, अगर गुना है तो एक गुण एक बटा दो माने एक बटा दो, तो डेढ़ बराबर नहीं होता है। अगर गुना है तो एक गुण एक बटा दो, तो बताइए वहां लिखे हैं डेढ़ और यहाँ लिखे हैं क्या चीज? क्या एक बटा दो होगा? ये नहीं होगा। तो गुना होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। यहाँ पे एक प्लस एक बटा दो माने एक माने एक, आधा माने आधा, एक और आधा कुल मिला के कितना? डेढ़। तो यहाँ पे क्या होता है? प्लस। नोट करते चलिए, नोट करते चलिए, बेसिक चीज है, नोट कीजिए। तो बीच में प्लस होता है, बीच में क्या होता है? प्लस। एक पूर्णांक एक बटा दो माने एक प्लस एक बटा दो, ठीक है, नोट कर लिए हैं। तो गुणा नहीं होता है, प्लस होता है। बताइए तीन पूर्णांक एक बटा दो का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ये समझ गए हैं? अच्छा ओके। अगर हम ऐसे लिख रहे बाबू कि 99 is to 1/4, तो इसका मतलब क्या लिखिएगा? 99 प्लस 1 बटा 4 लिखिएगा, नोट कीजिए। 99 पूर्णांक 1 बटा 4 का मतलब है 99 प्लस 1 बटा 4, 99 पूरा पूरा है, इंटीजर है, आई सावा है, माने 54 है, 54 माने 1 बटा 4 है। चलिए अब देखिएगा आप लोग, एक बात समझना है, जैसे मान लीजिए हम जोड़ दें आपको कि 7/12 में आपको 2/2 आपको जो है ना, ऐसा करना है कि 3/12 जोड़ना है, जोड़ सकते हैं? अच्छा बताइए, नीचे जब सेम होगा तो डायरेक्ट जोड़ते हैं ना, नीचे वाला सेम होगा तो 12, ऊपर 7 और 3 कितना? 10, कटाइए 6। ये समझ में आ रहा आप लोगों? अच्छा मान लीजिए कि हम 2/17 दें, आप प्लस 3/17 दें, जोड़ दीजिएगा 5/2 3/5 और 17 17 34, 2 और 3 5 और 17 17 34, 17 ही होगा ना? हाँ ठीक है, नोट करते जाइए, नोट करते जाइए। ये नहीं कि दो ऊपर वाला ऊपर से जोड़ दिए 2 3 5, हाँ
3 कितना 5 17 17 34 नहीं 17 ये तो जानते ही आप लोग, लेकिन हम ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। लिख लिए हैं, चलिए ओके देखिएगा, नेक्स्ट समझिएगा आप लोग। अच्छा मान लीजिए कि हमको 3/4 में हमको हमको मान लीजिए कि 2/5 जोड़ना है, ही जोड़ना आपको। रुकिए देखना, इधर इधर सब लोग देखिएगा, सुनिए, हम नीचे अगर सेम होता तो जोड़ दिए होते, अभी तक नीचे अभी तक सेम होता तो हम जोड़ दिए रहते, लेकिन आप सब लोग बताइए क्या ये नीचे वाला सेम है, नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। तो इसको बताइएगा, सेम बनाने के लिए यहाँ 5 को 4 को सेम बनाने के लिए ये 5 इसमें गुणा और इसका 4 इसमें गुणा, इतना नहीं समझे आप लोग, तो बताइए नीचे कितना 20 और यहाँ पे भी 20, अब इक्वल हो गया। अब एक बात बताइए, नीचे अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर हर में 5 से गुणा तो उसके न्यूमरेटर में भी गुणा 5 से, ये सब लोग जानते हैं, तो ऊपर कितना से गुणा 5 से और नीचे 4 से तो ऊपर 4 से। अब बताइए नीचे 20-20 बना है तो 20 लिख दे और ऊपर बताइए 5 15 और ये कितना 8, तब 15 + 8 कितना, तो हम लोग आ जाएगा कितना 23। इतना समझ पाए हैं? अच्छा इसी चीज को जल्दी करने के लिए हम क्या करेंगे ना दोस्त, जल्दी करने के लिए देखिए कंसेप्ट डेवलप करना है, ट्रिक भी सीखना है लेकिन कंसेप्ट के साथ में, ये नहीं कि मतलब ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इससे बहुत फास्ट आगे कैलकुलेशन होगा। मान लीजिए ऐसे भी कर सकते हैं करने के लिए कि हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर, बाबू देखो 5 का गुणा 3 से बोले कितना 15, 4 × 2 = 8, तब 15 × 8 = 23, अब 5 × 4 = 20। तो बात वही हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे करेंगे बाद में, लेकिन वो कंसेप्ट हम दिमाग में रखेंगे, ये चीज मेन है, ठीक है ना, नोट करिएगा आप लोग जल्दी से। कुछ लोग तेज हैं, वो लोग नोट नहीं कर रहे हैं, तेज नहीं बनिए प्लीज, सब चीज नोट कीजिए, बेसिक क्लियर करते हुए चलिए आगे, बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। जो लोग तेज हैं, जिस दिन आपका बैंक पीओ क्लियर हो जाएगा और जिस दिन सीजीएल क्लियर हो जाएगा, इस टाइप का कुछ भी माने ढंग का जॉब ले लीजिएगा, वो दिन हम समझ जाएंगे कि आप सही में तेज थे, उसके पहले तेज नहीं है। क्या बोले, मिठाई तो लेके आना ही है। रिजल्ट होगा तो मिठाई तो खिलाना ही है, ठीक है, चलिए ये नोट कर लिया आप लोग। अच्छा एक जोड़ दें, जोड़िएगा आप लोग, अरे जोड़ेंगे, हाँ देखे देखिए सब लोग, 3/7 अब +2/9 जोड़ के बताइए कितना, 2700, इतने जोड़ के एक बार फाइनल बोलिए लोग क्या होगा, बताइए 41/63, यस और नो जी, पक्का, देखो देखो बाबू, 9 × 3 कितना जी 27, 7 × 2 = 14, 27 को हम 3 दे दिए बन गया 30, आइए 11 बच गया, तो 30 × 11 = 41, अरे आ रहा समझ में, आइए बताइए 7 × 9 = 63, तो 63 हो गया, कोई डाउट नहीं ना आपको, आगे बढ़े। अच्छा इसको कंसेप्ट क्या है बताइए, 7 9 को सेम करने के लिए ये वाला 7 इधर गुणा तो ऊपर गुणा होगा, देखिए ना ये 7 को सेम करने के लिए ना इसमें भी गुणा आई इसमें भी गुणा आई, 9 को सेम करने के लिए नीचे भी आएंगे तो ये 9 ऊपर गुणा, तो इसीलिए ऊपर गुणा क्रॉस कर रहे थे, 14 यहाँ गुणा कर रहे थे कितना 27, आइए 7 का गुणा 9 से या 9 का गुणा 7 से बात हो ही रहा है, वहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कर लीजिएगा ऐसा, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाना है, हाँ लिखिए, 12.1/8 3.8 5.1/8 बताना है क्या होगा। बीस पूर्णांक 3/8 5/8
5/8। आप कहाँ लिख रहे हैं ये कॉपी कहाँ गया आपका? कोई इधर लिख रहे हैं कहे? तो दूसरा कॉपी कहाँ है? कॉपी लेके आइएगा बढ़िया। सब लोग को एक क्लास बताए थे ना, सुनिए सब लोग को क्या करना है, क्लास नोट्स बढ़िया रखना है। मनोहर पति नहीं, मनोहर पति में मेरे यहाँ क्लास अलाउड नहीं है, समझ में आ रहा है? ये नहीं कि कुछ भी ले लिए आप पढ़े और उसके बाद उसका चटनी बना के आप पी गए। मैंने पढ़े ये 10-20 क्लास, एक महीना दो महीना तीन महीने के बाद से कॉपी कहाँ गया कुछ पता ना चले, इससे सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान है। हम जानते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, आप क्या क्या गलती करिएगा, इसीलिए हम बार बार रिमाइंड कर रहे हैं। कोई भी लड़का जो है ऐसा गलती नहीं करिएगा। क्लास नोट्स जो होता है 70-80 रुपया का स्पाइरल बाइंडिंग वाला, सब लोग को लेना है। कितना लोग ले लिए हाथ उठाइए, वेरी गुड। जो लोग नहीं लिए हैं, जो लोग हाथ नहीं उठाए हैं, आज अभी दूसरा ही क्लास है लेकिन सब लोग ले लीजिएगा। कॉपी दिखाइए कोई लिए है आगे, तो कॉपी दिखाइए। जैसे ये कॉपी मान लीजिए, ये कॉपी ऐसा तो को माने ऐसा कोई कॉपी रखिएगा स्पाइरल बाइंडिंग वाला, सही रहेगा। ये फटता उड़ता कम है क्या? क्या है, कोरोना है? अच्छा और ठीक है, कुछ भी है तो ऐसा कॉपी आप सब लोग रख लीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद क्या करिए सुनिए, उसके बाद मैथ के लिए एकदम फ्रेश कॉपी रखिए एक ठो, इधर से होता है ये आगे से। हाँ तो कुछ लोग जैसे मान लीजिए कि देखिए ये जो है ना, जैसे प्लेन एकदम है तो प्लेन वाला कॉपी पे लिखिएगा तो सबसे बढ़िया है। अगर प्लेन कॉपी पे लिखिएगा, एक होता है उसको क्या बोलते हैं, रूलिंग। हाँ तो रूलिंग वाला लीजिएगा तो उतना मजा नहीं आएगा, उसमें लिखने में बहुत खराब लगता है। ऐसे भी आप बीपीएससी यूपीएससी या कल ऑफिस में कहीं भी जॉब करिएगा तो आपको जो है इसी टाइप के पेपर में लिखना है। कहीं भी सीजीएल में जाइएगा, बैंक में जाइएगा, कहीं भी एप्लीकेशन लिखना होगा तो ऐसा ही आपको मिलेगा, A4 साइज पेपर मिलेगा। तो बेटर है कि जब उसी पे हमको आगे काम करना है तो क्यों हम वो रूलिंग वाला पे लिखे, तो ऐसा लिखना तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। बाकी जो लोग ले लिए हैं, ठीक है ना, रूलिंग वाला तो उसे काम चलाइए। यहाँ से स्टार्ट अपना जैसे ये की है, ठीक है ना, तो ये अच्छे से एकदम लिखा हुआ है सब कुछ। अब देखिए इतना फ्रेश जब नोट्स होगा, आज जब 3 महीने बाद रिवीजन करना होगा तो जो नहीं हो पढ़ने वाला लड़का होगा ना वो भी पढ़ने लगेगा। आप लोग बढ़िया नोट्स रखिएगा तो आप लोग का भाई बहन छोटा जो होगा हो सकता है वो पढ़ लेगा नोट्स से, नहीं समझ रहे हैं? आप लोग तो पढ़िएगा, ये फायदा होता है नोट्स का। इसी में कुछ इधर लिखे कुछ उधर लिखे तो क्लास का इंपॉर्टेंस फिर कम होने लगता है। अच्छा इसमें एक काम और करना है कि यहाँ पे लिख देना है मैथमेटिक्स, यहाँ पे नाम लिख देना है मेरा, भीके गुप्ता नहीं, हाँ इंजीनियर भीके गुप्ता, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे भी लिख दीजिएगा, समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पे मेरा नाम नहीं लिखिएगा, यहाँ पे ये लिखिएगा ना, सुनिए यहाँ पे ये लिखिएगा कि मैथमेटिक्स, हाँ 1 भी लिख सकते हैं केवल, या वॉल्यूम 1 नहीं लिखे, बस मैथमेटिक्स 1। इसका मतलब है कि जब ऐसे मान लीजिए जब अपने अलमीरा में इसको सजा के ऐसे रखिएगा, जब अरे रखना पड़ता है नहीं रखना पड़ता है, तो जब जब आप ऐसे रखिएगा लो तो इस पे लिखा होगा मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, 3 पे 3, तो 1 लेके पढ़ लिए। जब भी रिवीजन करना होगा तो 1 लेके पढ़ेंगे, 2 लेके पढ़ेंगे, 3 लेके पढ़ेंगे, समझ रहे ना। आगे जो अपना नाम और मेरा नाम होना चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा जगह रखिएगा, तो इंडेक्स के लिए थोड़ा जगह रखिएगा पहला पेज पे। तो उसमें क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपका चैप्टर पहला कॉपी में मान लीजिए 2 चैप्टर आ गया, बेसिक का नंबर सिस्टम, तो क्या करिएगा बेसिक का नंबर सिस्टम लिख दीजिएगा। जैसे पार्ट 1 लीजिएगा देखिएगा तो पता चलेगा कि क्या है इसमें, बेसिक का नंबर सिस्टम है। दूसरा में मान लीजिए कि नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट चला गया तो दूसरा कॉपी में क्या लिखिएगा, नंबर सिस्टम परसेंटेज, समझ रहे हैं ना। इससे आपको पढ़ना आसान होगा, भी स्टूडेंट ही रहे ना जी, हम भी तो पहले यही सब काम करते थे।
तो हम लोग सजा के लिखते थे तो अच्छा रहता था, जो कॉपी नहीं लिखे रहते थे उसमें नंबर कम होता था। हाँ कितना है आंसर? ठीक है वेरी गुड। चलिए देखिए सब लोग, अच्छा एक बात बताना आप सबको, ये बताइए यहाँ पे प्लस है ना, आ यहाँ भी क्या है प्लस है, आ यहाँ भी प्लस है, तो सुनिए 12 में अगर हम सीधा सीधा 3 जोड़ेंगे तो 12 3 कितना 15, अब 15 5 20, तो 20 हो गया, इतना समझे। और उसके बाद से 1/8 3/8, अच्छा नीचे बताइए सेम है कि डिफरेंट है, सेम है, तो नीचे कितना हो जाएगा 8, आ 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना 5, तो 20.5/8। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं लोग, जैसे 12+1/8 कुछ लोग लिख सकते हैं, 3+3/8 लिख सकते हैं, और फिर 5+1/8 लिखेंगे, फिर जोड़िएगा तो 12 3 15, 15 5 कितना 20, आ यहाँ लीजिएगा 8 8 8, तो कितना हो जाएगा 8, 1 में 3 जुड़ेगा 4, 4 कितना जी 5, यहाँ प्लस था तो प्लस हट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस ही होता है। अरे आया समझ में? लेकिन इतना लिख के नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट हम ऐसे करके ऐसे करेंगे। नोट कर लिए हैं? करिए जल्दी नोट करिए। कुछ लोग ऐसे कभी कभी बनाने लगते हैं, जो आप में से बिल्कुल गांव में पढ़े हैं वो लोग ऐसे बनाने लगते हैं, वो आदत हम छुड़ाना चाहते हैं। वो लोग ऐसे करने लगते हैं कि 12/96 96 97/8 लिखेंगे, आप प्लस में करेंगे 8 3 24 24 3 27/8 8 5 40 41 8, आप फिर जोड़ेंगे कहेंगे 8, अब इसको 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 जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर भाग लगाएंगे, फिर 20.5/8 कहेंगे। तो ऐसे नहीं करना, समझ में आ गया है? चलिए देखिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, देखना है आपको, हम जो दे रहे हैं लिखिए नहीं, आंसर बोलिएगा, बोलिएगा आंसर। देखिए यहाँ पे 99:2/17 प्लस 5:1 में, मतलब 51 यहाँ पे इज टू में है आपका, सपोज 5/17 आप प्लस यहाँ पे 3:9/17 बना दीजिएगा, बताइए क्या होगा? बन जाएगा, गुड। अच्छा 99 में अगर हम 51 जोड़ेंगे तो 1 इसको दे दिए 100, 150 150 150 3 153, यहां तक क्लियर है? अच्छा उसके बाद बताइए 17 17 17, तो यहां पे कितना 17, और 2 5 कितना 7 9, तो कितना हो जाएगा 16, क्लियर है? आइए अगर 18 आ जाता तो, हाँ सुनिए अगर 18 आ जाता तो हम 17 1 17 करते, आ 1 इसमें जोड़ देते जो आता हो, आ फिर यहाँ 2/17 लिख देते, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं ऐसा आ गया, सपोज आ गया कि 153.18/17 आ गया, तो इसके तुलना में ज्यादा है, मैंने भाग लग सकता है, तो हम क्या लिखेंगे 153 प्लस 17 1 17, आ 1/17, ये समझ रहे हैं पीछे वाले लोग? अच्छा बताइए 153 1 154, 1/17, समझे कि नहीं आप लोग? तो हम डायरेक्ट यहीं पे कर लेंगे, देखिएगा कि 17 1 कितना 17, तो एक बार में लग गया तो 153 बदल गया 154 में, बदल गया ना, और उसके बाद से यहाँ 17 1 17, तो 18 में से 17 गया बचा कितना 1, अब बटा में कितना 17, तो डायरेक्ट हम ये लिख देंगे। अरे आया समझ में? इसको नोट करिएगा जल्दी से। हो गया है? एक देखिए बेसिक एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बनाइए आप लोग, देखिए इधर आप लोग, हम लिख रहे हैं यहाँ पे 21 पूर्णांक, मान लीजिए हम दे यहाँ पे 46, अब बटा में हम दे 21, इसको सॉल्व करके बताना है क्या होगा। बताइए क्या होगा, क्या होगा 23 पूर्णांक, 23.4 4/21, सब लोग यही बोल रहे हैं। इधर से देखिए गर्ल्स लोग,
हाँ देखिए बताइए, 21 दूना 42, तो 46 में से 42, तो 21 दूना 2 बार में जाएगा तो 21 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, 2 बार में गया तो 2 और उधर गया, तो 21 2 कितना 23। अरे क्लियर है? अब उसके बाद बताइएगा यहाँ 46 में से 21 दूना 42 46 में से 42 गया 4, अब बटा कितना जी 21, तो ये आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? ऐसा बना लीजिएगा आप लोग, हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बनाना आप लोग को। ठीक, देखिएगा आप 1 - 1/5 का वैल्यू बताइए, कहिएगा क्या हम पढ़ा रहे हैं। 4/5 बताइए, 5 एकम 5, 5 में से तो 4/5। हम एक नियम बताते हैं फॉलो करना आज के बाद से, बहुत छोटे छोटे चीज को सीखने की जरूरत होती है, बड़े चीज है ना, बड़ा चीज करना है तो छोटा चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। देखिए 5 में से 1 घटा के 4 लिख दीजिएगा, बताइए 5 में से 1 गया कितना जी 4/5। जब कभी भी 1 में से घटाना हो, जैसे मान लीजिए हमको 1 में से 6/7 घटाना हो, तो 7 में से 6 घटाइएगा 1/7, 7 एकम 7 7 में से 6 गया 1/7, इतना नहीं करना है, डायरेक्ट 7 में से 6 गया 1/7। हम एक और एग्जांपल देते हैं, देखिएगा आप लोग, जैसे 1 में से अगर मान लो बाबू कि अगर हमको घटाना हो 99/103, इतना घटाना है, घटा सकते हैं आप लोग, तो आप चाहे तो 103 में से 99 ऐसे घूम के घटाइए, उससे बढ़िया कि 103 में से 99, 103 में से 99 गया 4, अब बटा कितना जी 103। ये समझ में आया? हाँ एक बार नोट कीजिएगा, नोट करना है सब लोगों को। हो गया है? अब हम कुछ लिख रहे हैं उसको देखना आप लोगों को। जैसे मान लो बाबू कि अगर हमको 99 में से अगर घटाना है, सपोज घटाना है हमको 12/17 घटाना है, किसी को भी नहीं बनाना है, ध्यान देना है, कंसंट्रेट होइए। 17 में से घटाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए बाबू हम सबसे पहले 99 में से 1 ले लेते हैं। अच्छा 99 में से 1 साइड कर देंगे तो बचेगा 98 1, 99 में से हम 98 को उधर लिख देते हैं, 1 को इधर लिखते हैं, तो 99 में से 98 हम लिख लेंगे बाबू, अरे लिख लेंगे, उसके बाद से बच गया कितना जी 1, आ 1 में से 12/17 को क्या करेंगे घटाएंगे, आ 1 में से 12/17 घटाने का मतलब 17 में से 12 घटाएंगे 5/17, हम ये समझा रहे हैं कि डायरेक्ट 99 को हम 1 घटा के 98 लिख, मन में मान लेंगे कि 1 है, आ 1 में से 12/17 घटाने के समय हम जानते हैं कि 17 में, आ लिखेंगे क्या चीज 5/17। कितने लोगों को ये नहीं समझ में आया? आ गया सबको समझ में? नहीं समझ में आया? अच्छा एक लड़के को नहीं समझ में आया, देखिए फिर से समझिए। अच्छा 99 - 12/15 को मैंने बोला कि आप ऐसे लिखिए, 98 पहले लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए 1 99, उसके बाद से 12/15 नहीं है यहाँ 17 है, मान लीजिए 17 था, इसको हम सॉल्व करना सिखाएं आपको अभी, बोल दीजिए ना जो हाथ उठाए थे, इसको सॉल्व करना सिखाए थे, तो बताइए 17 एकम कितना 17, और 17 में से 12 गया, तो डायरेक्ट हम बोले कि 17 में से 12 घटाइए, तो डायरेक्ट आप लिखिएगा क्या चीज 98, ये प्लस में है तो यहाँ पूर्णांक में जाएगा, और 17 में से 12 घट जाएगा तो 5/17 तो ये आंसर होगा कि नहीं होगा बताइए लोग, एक आंसर सब लोग दे दीजिएगा, यहाँ लिखे हम उसके बाद नोट करिएगा, सब लोग दे देंगे, हम लिख रहे हैं यहाँ पे 37 माइनस, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3/8, आपको बताना कि इसका वैल्यू क्या होगा डायरेक्ट एक्सपायर में, क्या लिखे 36.8 में से 3 गया 5/8, ये सही लिखा गया है? कुछ लोग डर रहे हैं ऐसे थे, सही है? अच्छा देखिए, जो मेरे बातों को नहीं फॉलो करिएगा ना, लगेगा कि बहुत छोटा चीज पढ़ा रहे हैं, उन्हीं को दिक्कत हो रहा होगा, और जो कंसंट्रेशन से छोटे छोटे बातों को सीख रहा होगा तुरंत ही सब बताएगा, और ये जब बताएगा तो और बड़ा बड़ा चीज बताएगा, और किसी किसी को क्या लगता है ये क्या पढ़ा रहे हैं, 1 माइनस, ये क्या मजाक चल रहा है, हम पटना है पढ़ने के लिए, यही सब 6 एकम 6 6 में से 5 गया 1/6 पढ़ा रहे हैं, तो ये छोटा चीज है, लेकिन छोटा से देखिए बड़ा बड़ा हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, आगे हम लोग पहुंचेंगे, नोट करिए जल्दी कुछ एग्जाम्पल।
टाइम हो गया है, हम 2 मिनट में छोड़ देंगे। हो गया बाबू, सब लोग लिख लिए हैं, हम मिटाते हैं। एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, उसका आंसर खटाक दे बताना है, बता देंगे। हम लिख रहे हैं यहाँ 56 में से घटाना है आप लोगों को, 12/31 घटाना है, बता दीजिएगा। बोले क्या होगा, 31 में से 12, 11 में से 2 गया 9, 2 में से गया 1, अब बटा में 31। क्या जी सही है? तेजी में कर लेंगे, एक इजी क्वेश्चन करके जाना है। 2.5/7 + 3.3/5 करिए, बताइए क्या आंसर होगा। हाँ हाँ, इधर देखिए, इधर इधर देखिए, आप लोग इधर देखना है। अच्छा बताइए, 2 और 3 = 5, उसके बाद देखिए 7 × 3 = 21, 5 × 5 = 25, 21 × 25 = 46, इतना है समझ में? और 7 × 5 = 35, यहां तक आया समझ में? उसके बाद देखिए 35 से कम 35, एक उधर गया 6, और 35 बचेगा कितना, 11, और बटा में 35। अब बोलिए क्या जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम एक बार और समझाएं, ठीक है, नोट करिए लोग, पहले नोट करिए, हम समझाते हैं फटाक दे। हमने बोला, पहले नोट कीजिए जल्दी, टाइम हो गया। बीच वाले लोग स्टूल लेकर निकलेंगे जब हम छोड़ेंगे तो, उसके बाद से गर्ल्स लोग निकलेंगे, उसके बाद हम, उसके बाद बॉयज लोग, ठीक है? सुनिए एक बार और समझिए, तो 2 + 3 ये पूर्णांक है ना, और ये भी पूर्णांक है ना, तो 2 में 3 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 5, और उसके बाद ये बच गया 5/7, और यहाँ बच गया 3/5। अच्छा इसका नीचे वाला सेम है कि नहीं है? अच्छा नहीं है तो वो टेक्निक हम बताए थे, तो बताइए 5 × 5 = 25, 7 × 3 = 21, 21 + 25 = 46, और 46 × 7 = 25। अब समझे? अच्छा नीचे वाला कम है, ऊपर वाला ज्यादा है तो भाग लग जाएगा, तो 35 से कम 35, तो एक बार में भाग लगा तो 5 था, हम बना दिए कितना, 6, और 46 में से 35 निकल गया तो बच गया कितना, 11/35। हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। बीच वाले लोग निकलेंगे, बाकी सब लोग प्लीज बैठे रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, नहीं क्लास के बाद, मतलब जस्ट 2 मिनट में, 2 मिनट में हम निकाल रहे हैं आपको, निकल। क्या बोले तो आप, ऑपरेशन हुआ तो निकलिए, इनको थोड़ा निकलने दी, इनका ऑपरेशन हुआ है थोड़ा सा, इनको निकल जाने, हाँ निकलिए आप लोग, बीच वाले लोग निकली, आप बैठ जाइए 2 मिनट बाबू, बैठे रहिए तो सही, किसी को कभी चोट वोट नहीं लगेगा, ठीक है ना? गर्ल्स लोग निकलिए, गर्ल्स लोग निकलिए, गर्ल्स लोग को निकलने दीजिएगा, हमको निकल जाने दीजिएगा, तब निकलिए।